नमस्कार दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दोस्तों, इससे पहले हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा है। दोस्तों, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ पहले जाके वह वीडियो देखें, तभी आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दो वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया, जिनमें पहले का नाम है कैल्विन और दूसरे का नाम है क्लासिस। दोस्तों, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दो वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया किया जिनमें पहले का नाम है कैल्विन और दूसरे का नाम है क्लासिस। तो कैल्विन के अनुसार ठीक है दोस्तों, पहले हम पढ़ेंगे कैल्विन के अनुसार एक ऐसा हीट इंजन बनाना संभव नहीं है जो 100% वर्क डन करे। दोस्तों, क्या है कि एक ऐसा हीट इंजन बनाना संभव नहीं है जो 100% वर्क डन करे। क्या है दोस्तों, इसे हम अच्छे से पढ़ समझते हैं। जैसे दोस्तों, माना एक क्या इंजन है, जैसे गाड़ी का ही इंजन है, ठीक है दोस्तों, गाड़ी का इंजन है और उस पर हम क्या देते हैं, डीजल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो जो उसे एनर्जी मिली उस पेट्रोल डालने से, जो उस इंजन को एनर्जी मिली वो 100% वर्क डन करे, क्योंकि कुछ एनर्जी क्या करता है इंजन, अपने इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में खर्च करता है, मतलब स्टार्ट होने में खर्च कर देता है। ठीक है, ये इस इंजन की बात नहीं, हर चीज़ की बात है। तो क्या होता है, 100% वर्क डन नहीं करता है, मतलब वर्क डन मतलब कि इंजन क्या काम करता है, गाड़ी को चलाने के काम करता है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो 100% गाड़ी को चलाएं, कुछ ऊर्जा वो अपने स्टार्ट होने में खर्च करेगा और कुछ ऊर्जा गाड़ी चलाने में खर्च करेगा। ठीक है, तो 100% ऐसा हीट इंजन बनाना संभव नहीं है जो 100% वर्क डन करे। ये था कैल्विन के अनुसार। फिर आते हैं क्लासिस के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो क्लासिस के अनुसार क्या था, क्लासिस के अनुसार दोस्तों, हीट का ट्रांसफर हमेशा
लो टेम्परेचर प्रेचर की ओर नहीं होगा, की ओर नहीं होगा होगा अर्थात अर्थात हमेशा हाई टेम्परेचर से अर्थात हमेशा हाई टेम्परेचर से से लो टेम्परेचर की ओर होगा, लो टेम्परेचर की ओर और होगा। दोस्तों क्या है इसमें, जैसे दो क्या है मानवा दो छड़ है, ये दो छड़ है और इनमें एक का टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, एक का टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे, एक है लो टेम्परेचर पे, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि लो टेम्परेचर की जो एनर्जी है उसके अंदर जो एनर्जी है वो हाई टेम्परेचर की ओर आएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। हाई टेम्परेचर की एनर्जी हमेशा लो टेम्परेचर की ओर आएगी, ये क्लासेस के बोलने का अर्थ है कि हमेशा लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर एनर्जी कभी नहीं आएगी, हमेशा क्या होगा लो हाई टेम्परेचर से हम हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर एनर्जी आएगी। इसे हम घर में प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं, क्या होता है कि हम कोई दो छड़ लेंगे, ठीक है, एक हाई टेम्परेचर की होगी, एक थोड़ा हाई टेम्परेचर मतलब तो गर्म होगी हाई टेम्परेचर की, और एक होगी लो टेम्परेचर की, तो आप कुछ समय बाद देखेंगे तो जो लो टेम्परेचर की जो छड़ होगी वो भी क्या होगी, वो भी कुछ देर बाद गर्म हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो हाई टेम्परेचर की छड़ थी उसने अपनी एनर्जी क्या की लो टेम्परेचर की ओर दी, ऐसा होता है, ठीक है दोस्तों। कभी ऐसा नहीं होगा कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर एनर्जी आएगी, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। यही क्लासेस का बोलने का अर्थ है दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए। धन्यवाद।